हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। आओ देखें हम किस तरीके से ये बैंगन, ये मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। और आप कोशिश करें कि सबसे छोटे साइज़ के आप बैंगन लें, और इसका ये क्राउन आपको हटाना नहीं है। और इस तरीके के अगर आप बैंगन चूज़ करेंगे तो हम इन बैंगन को भर कर बहुत झटपट सब्जी कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये बैंगन को पूरा का पूरा वॉश करके इस शेप में काटना है हमें। सबसे पहले इसको नाइफ को बीच में से यहाँ से ऐसे कट लगाना है, और देन एक कट यहाँ पर लगाना है। इस तरीके से आपको जितने भी बैंगन हैं छोटे छोटे, आप इनको रेडी कर कर रखें। इसी सेम प्रोसेस में मैं सारे जितने भी बैंगन मेरे पास में हैं सबको काट लेती हूँ, कट लगा लेती हूँ। और ये जितने भी बैंगन से मैंने जितने भी हैं ये सब मैंने काट लिए हैं इस शेप में। आप इनको इन्हीं शेप में काट कर रखें, लेकिन इस आपको इसके क्राउन को बिल्कुल नहीं हटाना है। बस आओ चले अब हम इसका मसाला तैयार करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने दो तीन टमाटर लिए हैं, ये छोटे छोटे, आप तीन चार टमाटर ले सकते हो। साथ में मैंने दो तीन हरी मिर्च आप ले सकते हो, और पांच छह मैंने कलियाँ लिए हैं, और एक बड़ा प्याज। और एक प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है। बस अब हम इनको पीस लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्याज को डाल देते हैं। लहसुन, हरी मिर्च, साथ में आप टमाटर भी पीस लीजिए। और ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा सा साबुत धनिया, और इसको पीस लेते हैं अच्छे से। और अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डाल देते हैं ऑयल। ये मैं सरसों का ऑयल यूज़ करूँगी। तीन बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल, और इसको गर्म होने देंगे। और ये हमारा मसाला भी पीस कर तैयार हो गया है, ऑयल भी अब गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देते हैं जीरा, दो लौंग, और इसमें अब हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। और जो हमने दूसरे शेप की जो प्याज काट के रखी थी वो भी डाल देते हैं। इसका जो टेस्ट है ऊपर से, ये जो मैंने प्याज डाली है काट कर, इसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अच्छी लगती है सब्जी खाने में। और साथ में हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है इस सब्जी में, तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। एक चम्मच मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। एक चम्मच गरम मसाला। और एक चम्मच डालूँगी मैं नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिए। मसाले जले ना इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ दो से तीन चम्मच पानी। और इसको पकने देंगे।
और एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली का पेस्ट, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और इस मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले हैं तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करूँगी। ऑलमोस्ट हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं बैंगन। और बस इस मसाले को इसके अंदर कोट कर लेंगे अच्छे से। सिम आंच कर दीजिए इस टाइम पर। और इस टाइम पे हम डाल देते हैं इसमें हल्का सा 2-3 चम्मच पानी। बस इसको ढक देते हैं 5 से 7 मिनट। अब देख लेते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। वाओ, आपको इसी तरीके से ही सब्जी बनानी है। और ऊपर आप गार्निश करने के लिए धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस सब्जी को आप पराठे के साथ खा के देखिए, प्लेन पराठे के साथ। आई एम श्योर ये पसंद आने वाली है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की, और साथ में जो मैंने इसमें मसाले डाले हुए हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक बार आप मेरे बनाए हुए तरीके को अपना कर एक बार अपनी सब्जी बनाकर देखें। वाओ, अगर आपको इस तरीके की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे तब तक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।